सांसद किशन कपूर ने कहा कि धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए आम जनमानस की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी में 100 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनने जा रहा है, जिसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है तथा इसकी DPR बनाई जा रही है। किशन कपूर DRDA के सभागार में स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ रुपए की लागत से HRTC के माध्यम से शहर के लिए 15 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं और शहर में विभिन्न स्थानों पर 10 चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन बसों के आने से शहर में पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी और शहर को आधुनिक परिवहन सुविधा प्राप्त होगी। किशन कपूर ने कहा कि स्मार्ट सिटी द्वारा 5 समावेशी रोड बनाए जा रहे हैं, जिनमें कैमल ट्रैक भागसुनाग से लेकर धर्मकोट MC कार्यालय से गैस एजेंसी, BSNL कार्यालय से कैंची मोड़, अपर धर्मकोट से लोअर धर्मकोट रोड बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन पर 7 करोड़ रुपए व्यय होंगे। कपूर ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए पहले एक पार्किंग दलाई लामा मंदिर के साथ बनी थी, उसे अब और बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्किंग निर्माण में जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्मार्ट सिटी के तहत हिलन घर बस अड्डा के पास भी पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां भी जगह होगी वहां पर पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर में 7,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी और 33,000 स्मार्ट मीटर भी लगाए जाएंगे। उन्होंने नड्डी के पास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्लांट में 5 TPD क्षमता का वेस्ट से ऊर्जा बनाने का प्लांट भी लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कार्यों पर 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बस अड्डा धर्मशाला से स्कूल शिक्षा बोर्ड तक 35 करोड़ रुपए की लागत से 3 किलोमीटर लंबा स्मार्ट रोड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में घर घर कूड़ा एकत्रीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि शहर में विभिन्न स्थानों पर सीढ़ियों और अन्य रास्तों, दलाई लामा मंदिर और पर्वतारोहण संस्थान के समीप स्थित पार्किंग के कार्य के उन्नयन का कार्य भी शीघ्र आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट बस शेल्टरों के निर्माण और पुराने बस शेल्टरों की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि इन कार्यों पर 42 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों ने शहर को सुंदर बनाने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। कपूर ने कहा कि उनके सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत सभी कामों का अमलीजामा पहनाया जाएगा ताकि शहर साफ सुथरा रहे। उन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत लंबित कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न कार्यों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए कार्यकारी अधिकारी प्रदीप कुमार व उनके सहयोगी बधाई के पात्र हैं। और इसमें हम बहुत आगे बढ़े। पहले तो यहाँ जो इंटरग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है, जिसको ICC कहा जाता है, लगभग 100 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। ये पहले धर्मशाला नहीं बन रहा था। स्मार्ट सिटी शिमला और धर्मशाला का एक ही कमांड सेंटर बन रहा था। पिछली बार जब ये मुद्दा उठा तो उसके बाद अब इसकी BOD की बैठक भी हुई है और उसमें प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुकी है, DPR भी बनने जा रही है। तो ये बहुत बड़ा एक जो काम है स्मार्ट सिटी का, जो नहीं हो रहा था वो हुआ है। इसके लिए मैं यहाँ के जो कमिश्नर है और उनके सहयोगी अधिकारी है उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ 5 रोड जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रही है इसको, मैकलोटगंज से लेकर धर्मकोट, माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट से लेकर चर्च तक, कैम्बल ट्रैक, हीरू दसालनी रोड, ये 5 रोड बन रहे हैं। 15 किलोमीटर स्मार्ट रोड जो है, स्मार्ट स्ट्रीट जो है उसका काम अबार्ड हो चुका है, काम शुरू हो गया है। पार्किंग की यहाँ बड़ी समस्या है। पहले एक पार्किंग बनी थी दलाई लामा मंदिर के साथ ही, उसको और बढ़ाया जा रहा है
उसमें जो कमियां हैं उसको दूर किया जा रहा है, और एक हिलन घर के पास पार्किंग बन रही है, एक बस स्टैंड के पास है। तो ऐसे अभी यहाँ सुझाव आया है कि जहाँ भी कहीं जगह होगी वहाँ और पार्किंग बनाई जाएगी, ये मतलब स्मार्ट सिटी के अंदर बनाई जा रही है। 7000 शहर में नई लाइट्स लगाई जाएंगी, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं 7000, और स्मार्ट रोड जो है वो 3 किलोमीटर बस स्टैंड से लेकर स्कूल शिक्षा बोर्ड तक बनाएंगे। सीवरेज जो है वो नड्डी के पास, वहाँ उसका ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, वहाँ नड्डी के पास वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वहीं बन रहा है ना। और एक सीवरेज जो ऑगमेंटेशन एक्टिवेशन का काम जो है वो जो पुरानी है उसको किया जा रहा है, और गंबरू चेलियां में नया, ये चेलियां में तो ऑगमेंटेशन और एक्टिवेशन का काम है चेलियां में, और गंबरू में नया सीवरेज ट्रीटमेंट लगाया जा रहा है। शहर में सेफ्टी टैंक ट्रीटमेंट SSM प्लांट जो हैं वो 10 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे हैं, और घर घर जो कूड़ा एकत्रीकरण का काम है वो शुरू कर दिया गया है, वो पहले नहीं था अब किया है, और उसमें और भी कई सुझाव आए हैं, उस पर भी हमारा जो अधिकारी हैं उन्होंने नोट किया है और उन कामों को करेंगे ताकि शहर साफ सुथरा रहे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पर्यटक जो देश के कोने कोने से भी आते हैं, विदेशों से भी आते हैं, तो हमारा शहर सुंदर हो उसमें हमने बड़ी बड़ी मतलब जो कई संस्थाएं उनके प्रतिनिधि यहाँ आए थे उनको भी सहयोग की बात कही है कि सब सहयोग करें, शहर हमारा है, सबका है, सब मिलकर शहर को सुंदर बनाएंगे। सरकार जो कर रही है और स्मार्ट सिटी के अधिकारी उसमें लगे हुए हैं, ये काम कर रहे हैं, और समाज का सहयोग भी मिलेगा, निश्चित रूप से हम और आगे बढ़ेंगे और इसमें जो भी कमी है उनको दूर करेंगे। मैं यहाँ अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इन अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम जो आगे बढ़े हैं उसमें पिछली मीटिंग से और इस मीटिंग में बहुत अंतर है, बहुत सारे काम जो हैं उनको कुछ पाइपलाइन में, कुछ को धरातल पर लेकर आए हैं और कुछ को आगे बढ़ाया जा रहा है।